केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकारों को बढ़ाता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज कर रही है। पार्टी द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के इस बिल से दिल्ली के लोग दुखी हैं। जंतर मंतर से सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर एलजी ही सरकार है तो दिल्ली में चुनाव का क्या मतलब है। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, ये लोग देश में सरकार गिराने के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे।